नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। मालदीव्स इन दिनों भारतीय पर्यटकों को रिझाने में जुटा हुआ है और इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब रूठे हिंदुस्तानियों को मनाने के लिए मालदीव्स भारत में रोड शो और टूरिज्म से जुड़े कैंपेन चलाने की फिराक में है। दरअसल मालदीव से रिश्ते तल्ख होने के बाद इंडियन टूरिस्ट ने मालदीव से मुंह मोड़ लिया है, जिसका मालदीव्स की अर्थव्यवस्था पर काफी असर हुआ है। उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और ऐसा इसलिए क्योंकि मालदीव्स की इकोनॉमी काफी ज्यादा हद तक सिर्फ पर्यटकों पर डिपेंड करती है। लेकिन ये नौबत आई क्यों, आइए जानते हैं। मालदीव्स के भारत विरोधी बयानों के चलते भारतवंशी मालदीव से नाराज हैं, जिसके बाद मालदीव्स में पर्यटकों की कमी हुई, साथ ही उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री भी बर्बादी के मुहाने पर खड़ी है। इस संकट से उबरने के लिए मालदीव्स नए रास्ते तलाश रहा है और अपने प्लान को अमल में लाने के लिए मालदीव्स के ट्रैवल और टूर एसोसिएशन ने भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर से मुलाकात की। खबर है कि भारतीय पर्यटकों को लुभाने के लिए भारत के कई शहरों में रोड शो कराए जाएंगे। हालांकि रोड शो किन शहरों में और कब कराए जाएंगे इसकी कोई जानकारी नहीं है। भारत और मालदीव्स के बीच जो ये तल्खी आई है उसकी वजह बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। दरअसल इसी साल 3 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। वहां से पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की बेहद खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो शेयर की। ये तस्वीरें इतनी लाजवाब थी कि किसी का भी मन मोह ले। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद लक्षद्वीप और मालदीव में कंपैरिजन होने लगा कि लक्षद्वीप ज्यादा खूबसूरत है या मालदीव्स। लोग ये भी कहने लगे कि ज्यादा पैसे खर्च करके मालदीव जाने की बजाय लक्षद्वीप जाना ज्यादा बेहतर है। इसका असर ये हुआ कि मालदीव्स के कुछ मंत्री चिढ़ गए और उन्होंने पीएम मोदी के साथ साथ भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद 7 जनवरी 2024 के बाद भारत में बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड होने लगा। बॉलीवुड भी इस बॉयकॉट में कूद पड़ा और लोगों से लक्षद्वीप जाने की अपील होने लगी। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद लक्षद्वीप को लेकर लोगों में एक क्रेज बढ़ने लगा। भारत के लोग मालदीव्स की टिकट कैंसिल कराकर लक्षद्वीप का रुख करने लगे और मालदीव्स के टूरिज्म सेक्टर पर बट्टा लगना शुरू हो गया। इसे पीएम के लक्षद्वीप जाने का असर ही कहिए कि गूगल सर्च इंजन पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाला कीवर्ड लक्षद्वीप बन गया। वहीं एक प्राइवेट सर्च प्लेटफॉर्म पर करीब 3400% लक्षद्वीप ही खंगाला गया। आंकड़ों की बात करें तो साल 2023 में 2 लाख से ज्यादा टूरिस्ट मालदीव्स गए और पर्यटकों की लिस्ट में साल 2023 में भारत मालदीव्स में नंबर 1 पर रहा। वहीं मालदीव टूरिज्म मिनिस्ट्री इस साल जो आंकड़े अभी तक जारी किए हैं उसके मुताबिक मात्र 37,417 टूरिस्ट ही मालदीव्स घूमकर आए हैं। इसके साथ ही अब भारत नंबर 1 के पायदान से खिसक कर 6वें नंबर पर आ गया है। भारत और मालदीव्स के बीच तनाव की कुछ और वजहें भी है, जिनमें पहली वजह है कि 15 नवंबर 2023 को मालदीव्स के नए राष्ट्रपति चुने गए मोहम्मद मोइजू, जो चीन के समर्थक भी माने जाते हैं, उन्होंने अपनी चुनावी कैंपेन में इंडिया आउट का नारा दिया। वहीं मोइजू ने सत्ता में आने के बाद मालदीव्स में मौजूद भारत के सैनिकों को निकाले जाने का आदेश दिया। तीसरी वजह भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करने की घोषणा रही। भारतीय टूरिज्म मालदीव्स के लिए जीवन का आधार है। टूरिज्म मालदीव्स की GDP में 2/3 से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। इस सेक्टर में मालदीव्स के करीब 44,000 लोग काम करते हैं, जिनकी रोजी रोटी टूरिज्म पर बेस्ड है। भारत और मोइजू सरकार के बीच हुए विवाद से मालदीव्स की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और अब उसके बोल नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। मालदीव्स ने भारतीयों को भाई बहन जैसा बताया है। मालदीव्स का कहना है कि भारत और मालदीव्स के बीच गहरी दोस्ती है और ये रिश्ते राजनीति से परे हैं। मालदीव्स का ये भी कहना है कि हम बातचीत और एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते हैं। देर से ही सही, मालदीव्स के जो सुर बदले हैं उसकी ही इकोनॉमी के लिए अच्छे हैं। वही सवाल ये भी है कि भारत में रोड शो और कैंपेन करने से क्या मालदीव्स भारतीयों की नाराजगी दूर कर पाएगा। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।